वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज हम शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आपसे आगे आने वाली शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये हिंदी का एक मॉडल पेपर है जिसे पीएनपी ने जो मॉडल पेपर जारी किया था उसी के बेस पर बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक शब्द का विलोम लिखिए। एक शब्द का विलोम क्या होता है? एक शब्द का विलोम होता है पारलौकिक। अगर आपसे लिखित परीक्षा में पूछ लिया जाए कि एक शब्द का विलोम लिखिए तब आप क्या लिखेंगे? पारलौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निबंध में कौन सा उपसर्ग होता है? नी। क्या है निबंध का उपसर्ग? निबंध में उपसर्ग होता है नी। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दों के आगे जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं उन्हें हम कहते हैं निबंध। जैसे बंध में आगे नी उपसर्ग लगा और बन गया निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाने वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय कौन से होते हैं? प्रत्यय जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रत्यय। जैसे इसमें है, गाने वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाने वाला में है वाला प्रत्यय। क्या है? वाला प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? ऋषि। ये आप याद रखें, ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द होता है ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। पावन में कौन सी संधि होती है? पावन में होती है अयादि संधि। अभी अयादि संधि कैसे है? अगर आप पावन का संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा पौ धन अनह। क्या हो जाएगा? पौ धन अनह। और औ को आदेश हो जाता है आव। क्या हो जाता है? आव। और हो जाती है अयादि संधि। और अयादि संधि का सूत्र क्या होता है? अयादि संधि का सूत्र होता है एचो अयवा यावा। तो आप ये याद रखें, अयादि संधि का सूत्र क्या होता है? एचो अयवा यावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा यमुना शब्द का समास विग्रह करें। गंगा यमुना का समास विग्रह क्या होता है? गंगा और यमुना। तो ये कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। यहां पर ये बीच में और शब्द आ जाता है, उन शब्दों में क्या होता है? द्वंद्व समास। जैसे रात दिन में अगर आपसे पूछ ले तो क्या समास है? तो रात और दिन, तो कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। ऐसे ये गंगा यमुना तो क्या हो गया? गंगा और यमुना, तो द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्मुख किसका पर्यायवाची शब्द है? आप जानते हैं चतुर्मुख किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा का। ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है चतुर्मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान में तेल डालना मुहावरे का अर्थ लिखिए। कान में तेल डालना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कुछ न सुनना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कान में तेल डालना मुहावरे का अर्थ लिखिए तब आप क्या लिखेंगे? कुछ न सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही का तत्सम शब्द लिखिए। दही का तत्सम क्या होता है? दधि। ये तत्सम शब्द आप जरूर अच्छे से लिखना सीख लें। सिर्फ याद नहीं करना है, आपको लिखना सीखना है, क्योंकि रिटन एग्जाम में आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे। तो आप ये तत्सम शब्दों को जरूर लिख लिख कर देखें। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि दही का तत्सम शब्द लिखिए तब आप क्या लिखेंगे? दधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेश का शुद्ध वर्तनी का शब्द लिखिए। अगर आपसे एग्जामिनर ऐसे क्लेश लिख के दे दे और आपसे कहे शुद्ध वर्तनी का शब्द लिखिए तब क्लेश का शुद्ध क्या होता है? ये होता है क्लेश। ये कौन सा सा है? तालब्बी सा। और ये कौन सा सा है? दंती सा। तीन तरह के सा होते हैं, आप जानते होंगे, तालब्बी, दंती और मूर्धन्य। ये होता है तालब्बी और ये होता है मूर्धन्य और ये होता है दंती। तो ये क्लेश में दंती सा ना आके कौन सा सा आता है? तालब्बी सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अग्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करोड़ रस का स्थायी भाव लिखिए। करोड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है? करोड़ रस का स्थायी भाव होता है शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये में कौन सा अलंकार है? आपको ऐसे एक पंक्ति लिखकर दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। अब इसमें कौन सा अलंकार है आप इसे ध्यान से देखें, त वर्ड की आवृत्ति हो रही है यहाँ पे, त फिर तनुजा में त, तट में त, तमाल में त, तरवर में त, ये त वर्ड की आवृत्ति हो रही है। तो जहां पे व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे होता है अनुप्रास अलंकार। तो आप ये याद रखें, जहां पे व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पे होता है अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन थे? हिंदी नवजीवन पत्रिका के संपादक थे गांधी जी। कौन थे? गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव शब्द का संधि विच्छेद लिखिए। सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है? सदा धन एव। और पहले शब्द का कौन सा वर्ड लेते हैं? अंतिम वर्ड। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड। तो ये क्या हो गया? आधन ए बराबर आए। और ये कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि, क्योंकि यह ए का वृद्धि हो गई और क्या हो गई? ए।
और वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है, आपको सूत्र भी याद रखना है, वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है, वृद्धि रेचि। तो ये थे हिंदी के कुछ इंपोर्टेंट अति लघु प्रश्न जो आपसे आगे आने वाली शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, मौन शब्द का विलोम लिखिए। आपको मौन का विलोम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाया करे उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं कम्पिटिटिव एग्जाम के इंपोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेकर लगातार आता रहता हूँ। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आप इस वीडियो की पीडीएफ नोट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो की पीडीएफ नोट का लिंक दे रखा है। तो अब दबाओ लाइक, बताओ अपना आंसर कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को कर दो शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।